नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डीसीए और पीजीडीसीए के बारे में। जी हाँ, अभी डीसीए और पीजीडीसीए के एडमिशन स्टार्ट हो चुके थे जुलाई सेशन के लिए, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई। यानी कि आपके पास 10 दिन का और समय है यदि आप डीसीए या पीजीडीसीए में प्रवेश लेना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी के बारे में। माखनलाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से डीसीए और पीजीडीसीए के जो कोर्सेज होते हैं, अब माखनलाल यूनिवर्सिटी से यदि आप डीसीए या पीजीडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से संपर्क करना पड़ता है या इसके जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर आप कर सकते हैं? क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर क्या हम खुद भी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज के वीडियो में पूरी जानकारी डीसीए पीजीडीसीए प्रवेश से संबंधित आपको देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, माखनलाल यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और इसकी जो रजिस्टर्ड या आप बोल सकते हैं एसोसिएट इंस्टीट्यूट है वो पूरे भारत में अवेलेबल है। अभी आप कैसे सर्च कर पाओगे कि माखनलाल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड सेंटर कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आपको चले जाना है माखनलाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है mcu.ac.in। यहां पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसोसिएट स्टडी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर सर्च स्टडी इंस्टीट्यूट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्टीट्यूट सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर जाने के बाद इंस्टीट्यूट टाइप यहाँ पर दिया गया, इसमें आपको आईटी और कंप्यूटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे स्टेट दिया गया है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। लाइक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं किसी भी एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ, तो अनूपपुर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बिजुरी सिटी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो कोर्स की बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। लाइक मैंने यहाँ पर डीसीए सर्च कर लिया है और इसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ नाम जो है इंस्टीट्यूट के आपके सामने आ जाते हैं। ये जो भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके इनका एड्रेस भी देख सकते हैं कि ये आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कहाँ पर माखनलाल यूनिवर्सिटी से एसोसिएट इंस्टीट्यूट है। अगर आप डीसीए या पीजीडीसीए का कोर्स करना चाहते हैं जो कि माखनलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से कराया जाता है, तो आपको इन्हीं सेंटर पर जाकर ये कोर्स करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्राइवेट जो है स्कूल कॉलेज रन करते हैं जो इस प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो उनके खुद की संस्था के रजिस्ट्रेशन से हो सकते हैं। माखनलाल स्टेट यूनिवर्सिटी और इनके माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपको सेंटर सर्च करने में इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। अब रही बात एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म आप स्वयं नहीं भर सकते, उसके लिए आपको संस्था पर ही संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि माखनलाल डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता यूनिवर्सिटी में, वो अपने एसोसिएट इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही बच्चों को कोर्स करवाता है। तो यदि आप भी डीसीए पीजीडीसीए करना चाहते हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो आपको आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो आप रजिस्टर्ड हैं वहां से आप सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं अगर बात करूं यहां पर जबलपुर के अंतर्गत मैं सर्च करता हूं, तो यहां पर आप देखें जबलपुर मैंने सर्च किया, जबलपुर के अंतर्गत यहां पर सिटी मैंने जबलपुर डाली है और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, यहां पर बहुत सारे सेंटर आपको लिस्ट में यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटर देख रहे हैं। इसके अलावा एक तो तरीका इस प्रकार से सर्च करने का भी है, और इसके अलावा अगर आपके पास सेंटर कोड है तो आप सेंटर कोड के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6404 लिखा हुआ है, तोमर कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि हमारी संस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी सेंटर को जो कि माखनलाल से एफिलिएट है उन्हें आसानी से सर्च कर पाएंगे माखनलाल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, और वहाँ पर जाकर ही आप प्रवेश ले सकते हैं।